बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से इशातुल उलूम ऑनलाइन चैनल पर हमारा तालीमी और तज़किरी सिलसिला जारी और सारी है। आज 18 रमजानुल मुबारक है और आज की नशिस्त में हमारी गुफ्तगू का मौजू और आज के पेश किए जाने वाले शुबे और मुगालते का मौजू, अगर ऐसा हो जाता, अगर वैसा हो जाता। यानी बाज़ मर्तबा आदमी ये ख्याल करता है और कहता है कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा ना होता, या अगर मैं वैसा कर लेता तो ये बात बन जाती। तो उसके मुताल्लिक आज की नशिस्त में ये बात पेश की जा रही है। देखते हैं हम किताब से, अगर ऐसा हो जाता, अगर वैसा हो जाता। लफ्ज़े अगर शैतानी अमल का दरवाजा खोल देता है। फरमाया कि वइन असाबक शैउन फला तकुल लौ अन्नी फअलतु लकदा वकदा वलकिन कुल कद्दरल्लाहु वमा शा अफअल फइन लौ तफ्तहु अमल अश्शैतान। यानी अगर दुनियावी जिंदगी में तुम्हें कोई मुसीबत और तकलीफ पहुंचे तो ये मत कहो कि अगर यूं कर लेता तो ऐसा ना होता, और अगर यूं कर लेता तो ऐसा हो जाता। ये अगर मगर मत कहो, बल्कि ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर और मशीयत यही थी, जो अल्लाह ने चाहा वो हो गया। इसलिए कि ये लफ्ज़ अगर शैतान के अमल का दरवाजा खोल देता है। मसलन किसी के अजीज का इंतकाल हो जाए तो कहता है कि अगर फला डॉक्टर से इलाज करा लेता तो ये बच जाता, या मसलन किसी के यहाँ चोरी हो गई या डाका पड़ गया तो ये कहता है कि अगर फला तरीके से हिफाजत कर लेता तो चोरी ना होती वगैरह। ऐसी बातें मत कहो, बल्कि यूं कहूं कि अल्लाह ताला की तकदीर में ऐसा ही होना मुकद्दर था, इसलिए हो गया। मैं अगर 1000 तदबीर कर लेता तब भी ऐसा ही होता। मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला किसी बात का फैसला फरमा दे और अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक कोई वाकया पेश आ जाए तो अब उसके बारे में ये कहना कि ये ना होता तो अच्छा था, या ये कहना कि ऐसा हो जाता, ये कहना अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी होने के खिलाफ है। एक मोमिन से मुतालबा ये है कि वो अल्लाह ताला की तकदीर पर और उसके फैसले पर राजी रहे और उस तकदीर के फैसले पर उसके दिल में शिकायत पैदा ना हो और न दिल में उसकी बुराई हो, बल्कि दिलो जान से उस पर राजी रहे। एक और हदीस में हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इदा कदल्लाहु कदाअन अहब अन यरदा बिकदाइही। यानी जब अल्लाह ताला किसी काम के बारे में फैसला फरमा देते हैं कि ये काम इस तरह अंजाम दिया जाना है तो अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाते हैं कि मेरा बंदा उस फैसले पर राजी हो और उस फैसले को बेचूं चिरा तस्लीम करे, ये ना कहे कि यूं होता तो अच्छा था। फर्ज करें कि कोई ऐसा वाकया पेश आया जो तबीयत को नागवार है और वो गम और तकलीफ का वाकया है। अब पेश आ चुकने के बाद ये कहना कि अगर यूं कर लेते तो ये वाकया पेश ना आता, ऐसा कहने से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसलिए कि जो वाकया पेश आया वो तो पेश आना ही था, इसलिए कि वो अल्लाह ताला का फैसला और उसकी तकदीर थी। तुम अगर 1000 तदबीर भी कर लेते तब भी वो फैसला टलने वाला नहीं था। लिहाजा अब फजूल ये बातें करना कि ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ये बातें अल्लाह ताला के फैसले पर राजी होने के मुनाफी है। ऐसी बातें करना मोमिन का काम नहीं। ये एक शुबा और उसका जवाब हो गया। आज की नशिस्त में एक और शुबा और उसका जवाब हम देख लेते हैं। शुबे का उनवान है, क्या गम और सदमे का इजहार रजा बिल कजा के मुनाफी है। यानी जब अल्लाह ताला ने किसी अम्र और मामले पर कोई फैसला कर दिया और वो अम्र और वो मामला अंजाम पजीर हो गया और वो अम्र और वो मामला तबीयत के खिलाफ है, नापसंद है, तो क्या उस पर गम और सदमे का इजहार रजा बिल कजा के मुनाफी है। चुनांचे फरमाते हैं, अब एक बात और समझ लेनी चाहिए, वो ये कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि अगर कोई तकलीफ दे वाकया पेश आए या कोई गम या सदमा पेश आए
तो उस गम और तकलीफ पर रोना सब्र के मुनाफी और खिलाफ नहीं और गुना नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि गम और सदमा करना और उसका इजहार करना जायज है, रोना भी जायज है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए। ये दोनों चीजें कैसे जमा करें कि एक तरफ फैसले पर राजी भी हो और दूसरी तरफ गम और सदमा का इजहार भी करना जायज हो? जवाब, खूब समझ लेना चाहिए कि गम और सदमा का इजहार अलग चीज है और अल्लाह के फैसले पर राजी होना अलग चीज है। इसलिए कि अल्लाह ताला के फैसले पर राजी होने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का फैसला ऐन हिकमत पर मबनी है और हमें उसकी हिकमत मालूम नहीं, और हिकमत मालूम ना होने की वजह से दिल को तकलीफ पहुंच रही है, इसलिए गम और सदमा भी है और उस गम और सदमा की वजह से हम रो भी रहे हैं और आंखों से आंसू भी जारी हैं। लेकिन साथ साथ ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो फैसला किया है वो बरहक है, हिकमत पर मबनी है, लिहाजा रजा से मुराद रजाए अकली है, यानी अकली तौर पर इंसान ये समझे कि ये फैसला सही है। तो इस तरह से आज की नशिस्त में ये दो शुभे मुगालते और उनके जवाबात मुकम्मल हुए। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अल अज़ीम।